ड्रायर सही से चिपक, अंकल ड्रायर सब में मार देना है, सही से चिपक जाएगा। सो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो ये हमारी खड़ी है भाई, हमने इसका नामकरण कर दिया डार्ली और KTM RC 200। तो आज मैं जा रहा हूँ भाई इसका फ्यूल अप कराने, पेट्रोल भराऊंगा इसमें, फुल टैंक कराऊंगा, देखते हैं कितने में होगा। तो आज का ब्लॉग हमारा यही शूट होने वाला है कि आज हमारा जो टैंक है RC 200 का वो कितने में फुल हो जाता है, तो आज टेस्ट करने वाले हैं। और थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करेंगे यहाँ पर, देखेंगे थोड़ा सा नेविलेशन कराएंगे हम इस पर, और हम अपनी डार्ली का नाम लिखवाएंगे भाई इस पर। और यहाँ से अब निकलते हैं फटाफट। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ भाई अच्छी सी, आप देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी बहुत अच्छी आने वाली है, सबको दिल से थैंक यू कहने वाला हूँ मैं। और पहले मैं इसको निकालता हूँ घर से बाहर, क्योंकि निकालने में थोड़ा दिक्कत होती है, और चलते हैं फिर बाहर। और अब चलते हैं सीधा पेट्रोल पम्प, वहाँ पर कराएंगे हम फ्यूल अप। और आप मीटर में देख सकते हैं भाई पेट्रोल बहुत कम है, तो लो फ्यूल लेवल दिखा रहा है, आपको देख ही सकते हैं भाई। और मैं इसको फ्यूल अप कराने वाला हूँ, फुल पेट्रोल इसमें भरवाने वाला हूँ, और देखते हैं इसका टैंक कितने में फुल होता है। तो आज का ब्लॉग मेरा यही शूट होने वाला है, और थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करा सकता हूँ इसमें आज। तो हम अंकल की शॉप पे जाएंगे जहाँ से हम कराते हैं भाई, ऋषिकेश में वही अंकल हैं जिनसे मैं कराता हूँ, मैं कहीं और नहीं जाता। तो हम अपनी गाड़ी का भाई फ्यूल अप कराने वाले हैं। तो गाइस सबके लिए मैं बीच में कहना चाहता हूँ धन्यवाद, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे बन के सब्सक्राइबर भाई पूरे हो चुके हैं। और मैं नेक्स्ट लेवल से एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों सबको मैं थैंक यू करना चाहूँगा भाई। और मैं फटाफट से पहले पेट्रोल पंप पहुँचता हूँ और वहाँ पर अपने टैंक को फिलअप कराता हूँ, देखता हूँ कितने में होता है भाई आज। मैं अपना आज पहली बार फुल टैंक कराने वाला हूँ भाई। पेट्रोल पंप पे पहुँच गए हैं और भाई यहाँ पर पेट्रोल भरवाएँगे हम, और देखते हैं भाई इसका कितने में होता है फ्यूल अप फुल, फुल टैंक भैया से बोलते हैं फुल करना है। भैया फुल कर दो इसको ना। तो गाइस हम फुल करा रहे हैं भाई इसका टैंक, और देखते हैं कितने में फुल होता है। और भैया फुल करने वाले हैं भाई, इसका रेट चल रहा है भाई प्रीमियम वाले का 101 पर लीटर। तो हमारा भाई स्टार्ट हो गया है और हम कराते हैं फुल। तो यहाँ पर भाई अभी तक 740 का पेट्रोल आया है इसमें भाई, इसका टैंक काफ़ी छोटा है मुझे लग रहा है। तो यहाँ 750 में हमारा टैंक भाई फुल हो चुका है, और इसमें मुझे लग रहा था भाई कि पहले का भी पेट्रोल है इसके अंदर, इसलिए कम आया है। तो मैंने भाई पैसे देते हैं, तो यहाँ पर भाई 750 में हमारा टैंक फुल हुआ है। और थोड़ा सा आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर खाली दिखा रहा है, जितना हो सकता है भाई थोड़ा बहुत तो खाली रह गया होगा, क्योंकि पूरा बाइक फुल नहीं होता, और मैं ढंग से अगर कराता तो हो सकती थी। चलो कोई नहीं, खैर हम एक आइडिया लगा सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी खाली है तो इसमें थोड़ा सा और आ सकता है पेट्रोल। और यहाँ देखिए भाई RC 200 को ना भगाने का अलग ही मज़ा है, लेवल का एकदम। और मैं यहाँ पर ना मॉडिफिकेशन कराने वाला हूँ भाई थोड़ी सी अपनी बाइक में। तो भाई यहाँ पर है हमारे अंकल की एक दुकान जिनके पास मैं आता हूँ, और हम हल्की सी मॉडिफिकेशन कराएंगे अपनी डार्ली का, उसमें नाम लिखवाएंगे, ठीक है। और ये है वो शॉप भाई जहाँ से हम कराते हैं,
तो लगाते हैं हम अपनी गाड़ी को यहाँ पर, बाइक को, और देखते हैं अंकल के पास भाई मॉडिफिकेशन कराते हैं, थोड़ा सा नाम लिखवाएंगे। और अंकल जी कैसे हो? नमस्ते। आज छुट्टी। तो गाइस यहाँ पर हमारा भाई काम स्टार्ट हो गया है, बस हमें थोड़ा सा काम कराना था भाई, क्योंकि ये गंदा हो जाता है यार, तो स्क्रैच वगैरह आते हैं इस पर, तो यहाँ पर हम ब्लैक पन्नी लगवा रहे हैं भाई, और देखते हैं इसके बाद काम कैसा होता है। मैं जब भी आता हूँ ये अंकल के पास ही आता हूँ, कम पैसों में काम हो जाता है। अगर आप इसी किस्म में रहते हैं तो आप आ सकते हैं अंकल के पास कराने। तो देखते हैं भाई उसके बाद फिनिशिंग कैसी आती है, आपको दिखाऊँगा पूरा वीडियो में, और फटाफट से हम लगवा लेते हैं इसके ऊपर, और लगने के बाद मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी भाई, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से अंकल ने लगाई थी पूरा काम फिनिश होने के बाद। तो भाई जल्दी से जल्दी आप अपने भाई को सपोर्ट करिए भाई, और टारगेट 2000 तक रखा गया है, अब हमें 2000 भाई जल्दी से जल्दी एक महीने के अंदर करना होगा भाई, और फटाफट से हमें आगे बढ़ना है भाई। 2000 भाई जल्दी से जल्दी करा दो अपने भाई के, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। तो हमने KTM RC 200 तो ले लिया है, देखो भाई हमारी डार्ली कैसी लग रही है। तो यहाँ से हम जो भाई जिससे हमने गाड़ी ली थी उस भाई ने बादशाह लिखवा रखा है यहाँ पर, और हम इसको हटा के अच्छा से अपनी बाइक का नाम देने वाले हैं डार्ली, और देखते हैं अंकल कितने पैसे लेते हैं उसका भाई लिखने का। तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्टॉप करता हूँ, अंकल अभी थोड़ा काम कर रहे हैं, बाद में दिखाता हूँ आपको किस तरीके का काम हुआ। तो यहाँ पर भाई लगभग पूरा काम हो चुका है फिनिश, थोड़ा सा और बचा हुआ है, देखो फिनिशिंग कर रहे हैं अभी यहाँ पर। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है ये। काम होगा क्योंकि ड्रायर सही से चिपक, अंकल ड्रायर सब में मार देना है, सही से चिपक जाएगा। तो गाइस यहाँ पर भाई हमारा काम फिनिश हो चुका है, छोटी सी मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है, और अब देखते हैं नाम लिखवाते हैं, और यहाँ लिखवाएंगे हम डार्ली का नाम, और किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं भाई कैसा लगेगा। तो ये काम तो हमारा पूरा हो चुका है लगभग, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत सुंदर दिख रहा है भाई। और इसको मैं सोच रहा हूँ भाई तार को इस पर ऑरेंज टेपिंग करा दूँ, ठीक है अभी पूछता हूँ अंकल से, ऑरेंज टेपिंग कराता हूँ इस पर। तो भाई यहाँ पर हमने ये ऑरेंज टेपिंग करा दी इस पर, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, और कुछ अगर कराना है तो हम देखते हैं अभी, अभी नाम देखते हैं भाई अंकल लिखते हैं नहीं लिखते, तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कैसी लग रही है। तो भाई यहाँ पर हमारा काम फिनिश, और हम जा रहे हैं भाई घर, और आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक ही था भाई, कि हमने अपनी गाड़ी में फ्यूल अप कराना था फुल टैंक, और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वो जो हो चुकी है, और अब चलते हैं भाई घर। और कैसा लग रहा है भाई हमारा ये कलर्स का वायर कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, ऑरेंज कराया हमने, बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर भाई रोड काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो चुकी है, मैं काफ़ी दिन बाद आया हूँ यहाँ पर, और बहुत अच्छा लग रहा है भाई, और आगे काफ़ी ज़्यादा जाम है, तो मैं इसी गली से निकलता हूँ भाई जहाँ से आया था, और घर जाते हैं फटाफट से। और भाई मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ ब्लॉग बनाते समय, क्योंकि मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, और जो अभी तक कर रहे हैं भाई, और आगे भी आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है भाई मुझे, और काफ़ी ज़्यादा आगे तक बढ़ना है आपके भाई को, और आप ही हैं जो मुझे आगे तक ले जा सकते हैं।
तो जल्दी जल्दी भाई सपोर्ट करिए। आपका भाई का भाई टारगेट अब 2000 हो गया है, क्योंकि मुझे 2000 करने हैं फटाफट फटाफट भाई, अपने सब्सक्राइबर गेन फटाफट करने हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत ज़्यादा बड़ा करना है और आगे बढ़ते रहना है। बस इसी तरह मेहनत चलती रहेगी आपके भाई की। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई ब्लॉगिंग करने में और बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, आपको पता ही है भाई। मॉडिफिकेशन अगर छोटी छोटी कराते हैं हम तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं शॉप वाले। तो मैंने जो मॉडिफिकेशन कराई है भाई, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा खर्चा आया भाई। इतने में मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा लेता। कोई नहीं, आप लोगों को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि ब्लॉग में भाई यही तो दिखाया जाता है कि मॉडिफिकेशन करा रहे हैं, अपनी गाड़ी में क्या करा रहे हैं। ये थोड़े ना खाली घूमने घूमने का भाई, क्योंकि लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कुछ चीज़ उसमें दिखाना। वो मैं आपको दिखाता हूँ और ऐसे ही दिखाता रहूँगा हर वीडियो में। और आप लोगों का प्यार मुझे जितना मिल रहा है ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। तो हम पहुँच चुके हैं अपने घर के पास, और आप लोकेशन भाई अगर इसी के होंगे तो पहचानते ही होंगे कहाँ पर हैं हम। ठीक है, तो आज का ब्लॉग भाई हमारा पूरा शूट हो चुका है। अपनी गाड़ी का टैंक फुल करा चुके हैं हम, और काफ़ी ज़्यादा कम में हो गया भाई। मुझे लग रहा है कि पहले का मेरा गाड़ी में पेट्रोल शायद था, और हो भी सकता है इसका टैंक काफ़ी छोटा है, तो इस तरीके से काफ़ी कम में हो गया था भाई। और यहाँ से भाई डर लगता है मुझे अपने घर जाने में। और हम पहुँच चुके हैं अपने घर, और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो भाई हमने जो कराया था, देखो एक तो ये हमारा, देखो भाई ये टैंक पैड पे ये लगवाया था हमने टैंक पे, ठीक है ये हो गया। और ये हमने वायर को भाई ऑरेंज कराया है, ठीक है ये हो गया मॉडिफिकेशन। तो आप भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है हमारी डार्ली। तो आज का ब्लॉग इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।